प्रेज द लॉर्ड जयसु। स्वागत करता हूँ और एक बार प्रभु की उपस्थिति में और हमारे साथ मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना उसकी महिमा करने के लिए। उम्मीद है आप सभी प्रभु में आनंदित हैं और सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आइए हम प्रभु की तारीफ करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि प्रभु स्तुति के, आराधना के और महिमा के योग्य है। आप देखेंगे बाइबल में जितने लोगों ने प्रभु की स्तुति की, तारीफ की, जितने लोगों ने प्रभु की आराधना की दिल से, प्रभु उनके जीवन में कितने महान कार्य करते हैं। आप पढ़ेंगे नबी दानियल के ग्रंथ में, वहां पर हम शद्रक मेशक और अबेदनगो के बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा है जब राजा ने उन्हें उस आग में डलवाने का डिसीजन लिया और आज्ञा दी, तो उसने कहा कि यदि तुम्हारा परमेश्वर जिंदा है तो वो तुम्हारी रक्षा करे। जानते हैं क्या हुआ? राजा और वहां पर उपस्थित लोगों ने प्रभु का कार्य देखा। आग में डालने के बाद उन तीन युवकों के साथ प्रभु उतर आया। लिखा है कि उसने उस आग में ऐसी ठंडी हवा चलाई कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग छू तक ना पाई। ये देखकर राजा आश्चर्यचकित हुआ। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। उसने कहा कि क्या हमने तीन लोगों को नहीं डलवाया? सबने कहा हां। तो उसने कहा कि मैं तो चार लोगों को देखता हूं, चौथा कौन है? चौथा ऐसा लगता है कि कोई स्वर्गदूत है। आप जानते हैं कौन थे? प्रभु स्वयं। क्योंकि शद्रक मेशक और अबेदनगो को उस भट्टी में प्रभु की तारीफ कर रहे थे, प्रभु की महिमा कर रहे थे, गा रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे। वे भुनभुनाए नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा देख प्रभु तेरे कारण हमें कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु देख हमें सताया जा रहा है, हमारे सताने वालों को दंड देना या उनसे बदला लेना या उनका बुरा करना, ना। वे भट्टी में उतर कर प्रभु की तारीफ करने लगे, महिमा गाने लगे, कहने लगे धन्य है परमेश्वर। आप पढ़ेंगे वहां पर उन्होंने कितनी अच्छी तरह से प्रभु की तारीफ की, स्तुति की। प्रभु स्वयं उन्हें बचाने के लिए उस भट्टी में उतर आया और इसका नतीजा क्या हुआ? जब उन्हें बाहर निकाला गया, बाइबल कहती है उनके बाल के जलने तक की गंध नहीं थी, एक बाल तक नहीं जला था उनका। उस महान परमेश्वर की तारीफ करें। बाइबल में लिखा हुआ है कि उसके महान कार्यों को याद करें। आप जानते हैं जब आप उन चीजों को देखते हैं जिन चीजों के लिए आपने प्रार्थना की और आपकी अभी तक सुनी नहीं गई या आपको मिला नहीं, अक्सर हम ऐसी चीजों को ज्यादा देखते हैं। पर क्या आपने कभी ऐसी बातों को अपने जीवन में देखा है, ऐसी चीजों को, ऐसी घटनाओं को, ऐसी आशीषों को अपने जीवन में देखा है, अनुभव किया है, जब आपने मांगा भी नहीं वो और आपको दिया? क्या रोज उठकर आप प्रभु से सांसें मांगते हैं? नहीं, फ्री में देता है। क्या रोज उठकर या जब आप सो जाते हैं तो ये आपको पता है कि आप जिंदा होंगे या नहीं? नहीं, लेकिन प्रभु हमें जीवित रखता है। क्या हमें प्रभु को धन्यवाद नहीं देना चाहिए, प्रभु की स्तुति नहीं करनी चाहिए, प्रभु की तारीफ नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। क्या हमें पता रहता है कि जब हम सुबह उठेंगे तो हमारी आंखें देखेंगी? नहीं, लेकिन हमारी आंखें देखने लगती हैं, हमारे कान सुनने लगते हैं, हम बेड से उठते हैं, हमारी पैर काम करने लगते हैं, हाथ काम करने लगते हैं। ये कैसे होता है?
ये आपने मांगा नहीं है, ना मैंने मांगा है, ये हमें दिया गया है। क्या हमें धन्यवादी नहीं होना चाहिए, उसकी तारीफ करना चाहिए। वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। उसकी जिंदगी से हमें जिंदगी मिलती है, उसकी पाक हजूरी में हमारा जीवन है। मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल में प्रभु कहते हैं, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा आदर करता है। रोज हम प्रभु को धन्यवाद दें, उनका आदर करें। दानियल के विषय में हम पढ़ते हैं, दानियल के विषय में लिखा हुआ है कि वो दिन में 3 बार यरूशलेम की ओर खुलने वाली खिड़की, जहां पर प्रभु का मंदिर था, उसकी ओर मुंह करके 3 बार घुटने के बल धन्यवाद की प्रार्थना किया करता था। हम प्रभु को धन्यवाद दें, अपनी आंखें बंद रखें, इस समय हाथों को खुला रखें। उन सारे वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की तारीफ करें। मुश्किल में वो हमारा मुश्किल कुशा है, बंधनों से हमें छुड़ाने वाला, जीवन देने वाला, पवित्र करने वाला, अभिषेक देकर हमें नया बनाने वाला। हर दिन उसकी कृपा हमारे लिए नई हो जाती है। एक ऐसा प्रभु, उस प्रभु की हम तारीफ करें, प्रभु की स्तुति करें। आपने जो मांगा नहीं है फिर भी आपको दिया है, मुझे दिया है, हम प्रभु की तारीफ करें। बाइबल कहती है, आपके पास क्या है जो आपको नहीं दिया गया है? सांसें हमें दी गई हैं, शरीर हमें दिया गया है, जन्म हमें दिया गया है, सब कुछ तो दिया गया है, हमारा कुछ नहीं है। प्रभु कहता है, सब मेरा है। हम उस महान प्रभु की स्तुति करें, तारीफ करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हमारे पापों को क्षमा करना अब्बा, हम पर दया और करुणा करना इस समय, हमें यीशु के पवित्र लहू से धो देना पिता, हमारे कंठों को खोलना पिता, हमारी आत्माओं को पवित्र करना, शरीर को पवित्र करना, कि हम तेरी आराधना कर सकें, तेरी स्तुति कर सकें, तेरी महिमा कर सकें। हम्द करूं, हम्द करूं, कहें हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं, कहें हम्द करूं, हम्द करूं, मेरे मसीहा, मेरे से जुदा। हम्द करूं, सब लोग कहने का, हम्द करूं, तारीफ करें प्रभु की, हम्द करूं, हम्द करूं। इस सुंदर गीत को गाते हुए हम प्रभु की तारीफ करते जाएंगे। कभी ना होना
तारीफ करे परमेश्वर की। वो आपका और मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, ईश्वर का इकलौता पुत्र है। हम भी करो, हालेलुया, हम भी करो।
महिमान सृष्टिकर्ता की ओर अपना ध्यान रखना, अपना सारा ध्यान बटोर कर प्रभु में लगाना। इस समय यह सुंदर समय है जब प्रभु की उपस्थिति इसी समय हमारे बीच में उतर कर आई है। जब आप हम्द करो गा रहे थे, उसकी जीवित उपस्थिति आपको घेर रही थी। जब आप इस गीत में पूरी तरह से लीन थे, आपके जीवन में कुछ हो रहा था। जब आप प्रभु की तारीफ दिल से कर रहे थे, उस समय प्रभु आपके जीवन में कुछ कर रहे थे।
विश्वास करें। हालेलुया। जब आप इस गीत को सुन रहे थे, आपके दिल में कुछ होने लगा था, ऐसा लगा आपको किसी ने छू लिया, आपको बहुत रोने का मन किया, आपका शरीर हिल गया, आपको पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव हुआ, ये चिन्ह है कि प्रभु हमारे बीच में है। धन्यवाद दें, प्रभु की तारीफ करें, स्तुति करें, महिमा करें। वो इसी योग्य है कि हम उसकी आराधना करें, वो ही समर्थ है, वो ही योग्य है, केवल वो ही योग्य है मेरे भाई मेरी बहन। धन्यवाद दें, प्रभु की तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें। स्तोत्रकार कहता है, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। मैं जब तक जीवित रहूंगा प्रभु के भजन गाऊंगा। हम प्रभु की तारीफ करें इस समय। हालेलुया, 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 प्रभु तू ही तू, मेरी स्तुति में
सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान तुझे देते हैं प्रभु। हमारे साथ मिलकर जितने भी लोगों ने इस समय तेरी तारीफ की, तेरी महिमा, तेरी आराधना की, प्रभु इनको ब्लेस करना, आशीष देना प्रभु जी, इनके जीवन में प्रभु तेरे महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट हों। जो बीमार हैं उन्हें चंगा करना, जो आज के दिन में काम पर जाने वाले हैं, जिनको जिनके पास काम भी नहीं है प्रभु, इनको आशीष देना। जो गर्भवती महिलाएं हैं प्रभु, उनको आशीष देना। जिनको संतान नहीं है उन्हें संतान देना। ओ प्रभु, जो बंधन में पड़े उनके बंधनों को तोड़ना। जो वासना के बंधन में है, जो नशे के बंधन में है, वे विचार के बंधन में है, गरीबी के बंधन में, कर्ज के बंधन में, यीशु के नाम से ऐसे लोगों के जीवन में कार्य करना पिता। अपना हाथ बढ़ाकर यीशु के नाम पर चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना प्रभु इनके जीवन में। जो प्रार्थना ये कर रहे हैं प्रभु, उस प्रार्थना में तेरी आशीष उतरने पाए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी आराधना पिता। इनमें से एक एक लोगों को छू लेना, ब्लेस करना। इनमें से हर एक की जरूरत जो है उन्हें पूरा करना। उन्हें हर बुराइयों से बचाना, परीक्षा में पड़ने ना देना प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल, सारा सम्मान, प्रज्ञा, महिमा तुझे मिले। और इन सारी प्रार्थनाओं को पिता हम तेरे पुत्र यीशु के नाम में होकर मांग लेते हैं और एक साथ मिलकर कहेंगे आमीन।